कल का मैच लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया था, जिसमें आरसीबी ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रनों से हराया। लेकिन इस मैच में जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा लोगों का, वह थी विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच की बहस। दरअसल मैच के बाद कायल मैयर्स विराट कोहली से कुछ बातचीत करने गए थे। इसी दौरान गौतम गंभीर कायल मैयर्स के पास आए और उनका हाथ इस तरह खींचकर उन्हें विराट कोहली से दूर कर रहे थे जैसे एक माँ अपने बच्चे को बुरे बच्चे से दूर करती है। और इसी के बाद कुछ बातचीत हुई जिससे गौतम गंभीर का पारा चढ़ गया और फिर से वे विराट की तरफ बढ़े और बहस इतनी बढ़ गई थी सर एक टाइम पे कि दोनों टीम्स के प्लेयर्स को और कोचेस को उन दोनों को अलग करना पड़ा। इट वॉज ऑन द कार्ड्स एक्चुअली, क्योंकि पहले भी दोनों भिड़ चुके हैं। जब गौतम गंभीर एक एक्टिव प्लेयर हुआ करते थे, जब कोलकाता को लीड करते थे, तब विराट कोहली का विकेट गया था और कुछ बोला था जाते वक्त और दोनों में बहस हो गई थी। तो ये हमेशा ऐसा ही एक बैंटर चलता रहा है इन दोनों में। दोनों दोस्त भी थे जब श्रीलंका के अगेंस्ट एक सेंचुरी पार्टनरशिप करके उन्होंने एक मैच जिताया था भारत को। लेकिन तब जब 2013 में दोनों भिड़े थे, तब से काफ़ी फ्यूड रिलेशनशिप्स हो गए थे दोनों के बीच में। और जो पहला मैच हुआ था जिसमें गौतम गंभीर ने चिन्नास्वामी के क्राउड को चुप रहने का इशारा करा था, हाँ, जहां एलएसजी एक आखिरी बॉल पे जीती थी, बिल्कुल, और आवेश खान ने भी हेलमेट फेंका था, तो वहीं से लग रहा था कि इन दोनों टीमों के बीच में तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हाँ, और गौतम गंभीर ने वहां की क्राउड को, बेंगलोर के घर में ही खेल के, उनकी क्राउड को चुप रहने का इशारा किया था। और यह इशारा सर खेल के मैदान में एक अग्रेसिव माना जाता है। हालांकि कल के मैच में विराट कोहली भी काफी एनिमेटेड दिखे, काफी एक्टिव दिखे, और उन्होंने भी कृणाल पांड्या का कैच लेने के बाद क्राउड से ऐसे चुप रहने का इशारा किया। लेकिन उनका उन्होंने जिस तरह से इशारा किया, उनका क्राउड को कहना था कि मैं तुम्हें चुप नहीं करा रहा हूँ, मैं तुम्हें और चीयर करने के लिए कह रहा हूँ। और सर आप देखेंगे कि लखनऊ की क्राउड ने सबसे ज्यादा चीयर अप आरसीबी को किया है, बिल्कुल इसी कारण, क्योंकि विराट एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत एक्सप्रेसिव हैं, और गौतम गंभीर ने जो चुप करने का इशारा करा तो उसी के काउंटर में विराट कोहली ने कहा था कि मैं तुमको चुप नहीं करने का कह रहा, तुम तो और चीयर करो, क्योंकि बिकॉज क्रिकेट इज अ गेम ऑफ यू नो स्पेक्टिकल्स एंड लाउड चीयर्स, तो कोई क्यों चुप बैठे, और वो भी जब आईपीएल है तो। लेकिन सर ऐसे कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि सारी गलती नवीन उल हक की है, जो कि अफगानिस्तान के पेस गेंदबाज हैं, और सर ये पहले भी ऐसे बैंटर्स में फंस चुके हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि यह तब स्टार्ट हुआ था जब नवीन उल हक बैटिंग करने आए थे। तो सर जिस तरह से नवीन का बर्ताव रहा है कोहली के प्रति, जब उन्होंने केएल राहुल ने भी, जब वो दोनों साथ में खड़े थे तो केएल राहुल ने नवीन को बुलाया भी था एक प्रकार से समझौता करने के लिए, लेकिन विजुअल्स में दिखाई जा रहा है कि नवीन उल हक ने मना कर दिया था कोई भी बात करने के लिए। तो सर एक आए हुए प्लेयर का, बोल सकते हैं इतने बड़े प्लेयर का जो कि इतने बड़े लेवल पे है विराट कोहली, उनसे इस तरह पेश आना, एक ही चीज को इतना बड़ा बना देना, क्या सही था? क्या नवीन उल हक कहीं ना कहीं झुक कर ये इस आपको इतना फैलने से रोक सकते थे? इसका एक्चुअली दूसरा पहलू भी है कृति, क्योंकि ये चीज अभी अभी ट्विटर पे एक्सप्लोर कर होना चालू हुआ है, क्योंकि विराट कोहली ने अमित मिश्रा और नवीन उल हक जो कि टेल एंडर्स बैट्समैन थे, जब लखनऊ वॉज लिटरली आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट, तब काफ़ी स्लेजिंग करी थी, काफ़ी कुछ कहा था, और नवीन उल हक को तो ऐसा अपने जूते पे इशारे करके बताया था कि यू आर नॉट इक्विवेलेंट टू द डर्ट ऑफ माई शूज, ऐसा करके उन्होंने बोला था ऐसी जो जैसी खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में बॉलर तो वैसे भी एक एग्रेसिव खिलाड़ी रहता है, वो बहुत ज़्यादा यू नो फ्लेड अप हो जाता है, और उस पर फिर अफगानिस्तान हो तो फिर माशाल्लाह वहाँ का तो पठानों का तो खून गर्म रहता ही है। तो फिर वो तो नवीन उल हक तो नहीं रुकने वाले थे, और कल प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा था उनका, 3 विकेट लिए थे उन्होंने 30 गेंद पे। तो विराट कोहली को कल एक जिसे कहते हैं वर्दी ओपोनेंट मिला है कल स्लेजिंग में। आगे देखना पड़ेगा कि अगर प्ले ऑफ में दोनों टीमें मिलती हैं तो नवीन उल हक और विराट कोहली का कॉन्टेस्ट जो है, जिस तरह से फैंस रिएक्ट करते हैं, वो बिल्कुल माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है। कृति मैं बता दूं, अगर नवीन उल हक वर्सेस विराट कोहली अगर प्ले ऑफ में होता है तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ है नवीन उल हक जो कि कल विराट के सामने एक तरह से पहाड़ जैसे खड़े हुए थे, और एक तरफ है विराट जिनके सपोर्टर्स भी बहुत ज्यादा है और जिनका नाम भी बहुत बड़ा है। तो अगर ये आईपीएल में टीम एक दूसरे से वापस अगर प्ले ऑफ में भिड़ंत होती है इनकी, तो सर उसका नजारा देखने लायक ही होगा।